Hello friends, hope you all are doing extremely well. Divya this side from an academy. So friends, as you all know कि मैंने आपसे काफ़ी दिन पहले एक वादा किया था कि मैं अपने students के लिए बहुत ही जल्द कुछ motivational series and कुछ ऐसे topics लेकर आने वाली हूँ जो आपके examinations के लिए, आपकी life के लिए, सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए एंड माइंड की वर्किंग के लिए, कैसे हमें स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, उस चीज़ के लिए कुछ लेक्चर्स लेकर आऊँगी. सो आज ये फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट टिप, स्टडी टिप है, मैं ये कहूँगी अपने स्टूडेंट्स को. सो फ्रेंड्स, आज की जो टिप है वो है स्क्वायर ब्रीदिंग. सो आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊँगी कि स्क्वायर ब्रीदिंग क्या होती है, आपको उसको क्यों यूज़ करना चाहिए एंड उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं. ओके, सो माय नेम इज़ दिव्या अग्रवाल एज यू नो एंड आई एम प्लस एजुकेटर ऑन एन अकेडमी. सो आई टीच IIT जैम केमिस्ट्री ओवर देयर एंड साथ में I am here in front of you to share some of the study tips as well. Okay, so what is square breathing? Kya hoti hai square breathing, friends? So square breathing is the technique जिसको use करके आप अपने दिमाग में maximum oxygen को ले जा सकते हो. जैसे computer का refresh button होता है ना friends, computer पे ज़्यादा देर तक काम करोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा हैंग होने लगता है, तो आप उसको F5 से refresh करते हो. वैसे ही जब हम students ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग की मैक्सिमम ऑक्सीजन सोचने में, समझने में, चीज़ों को एब्जॉर्ब करने में लग जाती है. अब जब हमारा दिमाग का मैक्सिमम हिस्सा वहाँ लग गया तो हमारे दिमाग में स्ट्रेस आने लगता है, स्ट्रेन्स, प्रेशर, हेडेक, ये सब होने लगता है. तो और ज़्यादा समय तक हम पढ़ नहीं पाते, हम फटाफट से बुक बंद करके भाग जाते हैं, भई अब पढ़ाई नहीं की जा रही है. मैं आपको एक टिप दे रही हूँ जिसको यूज़ करके आप कॉन्स्टेंट काफ़ी समय तक पढ़ सकते हो, सिर्फ छोटी छोटी स्क्वायर ब्रीदिंग लेकर. सो स्क्वायर ब्रीदिंग कैसे करनी है? इट इज़ अ 4-4-4 टेक्निक. इनहेल फॉर 4, रिटेन फॉर 4 एंड एक्सहेल फॉर 4. मतलब जब आप ब्रीथ कर रहे हो, ब्रेथ ले रहे हो, सांस ले रहे हो, तो उस वक्त 4 सेकेंड के लिए इनहेल कर रहे हो ना, जब तो 4 सेकेंड के लिए इनहेल करो, 1, 2, 3, 4. Now stop. Retain that oxygen inside your body for 4 seconds. 1, 2, 3, 4. Retain हो गया. Now exhale for 4. मतलब अब वो अंदर retain है oxygen. अब उसको आप वापस nostril से बाहर लेकर आओ. 1, 2, 3, 4. 4-4-4 technique को use करके friends आप अपने दिमाग को जब चाहो refresh कर सकते हो, जितनी बार चाहो refresh कर सकते हो. और इस को रिफ़्रेश करने के पीछे का लॉजिक है दिमाग में ऑक्सीजन का पहुंचाना. माइंड को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, विदाउट ऑक्सीजन वो काम प्रॉपर वे में नहीं करता. हम जब ज़्यादा पढ़ने के बाद गलत सलत आंसर देने लग जाते हैं ना क्वेश्चंस के, उसके पीछे का यही कारण है कि हमारे दिमाग में ऑक्सीजन होती नहीं है. सो अगर आप स्क्वायर ब्रीदिंग की टेक्निक्स को यूज़ करोगे, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि हर वक्त स्क्वायर ब्रीदिंग ही प्रैक्टिस करो. जब भी आप कर रहे हो, जब भी आप ब्रेक्स ले रहे हो, तो हर वक्त आप स्क्वायर ब्रीदिंग करो, तो उससे आपको माइंड में ऑक्सीजन रेगुलर जाता रहेगा, माइंड रिफ्रेश रहेगा, कभी भी प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं. राइट फ्रेंड्स, सो स्क्वायर ब्रीदिंग करने से फ़ायदा हमेशा होगा आपको, नहीं होता तो यू कैन कमेंट मी डाउन. 100% यू विल गेट रिजल्ट्स. ओके, जितने भी मेमोरी हैकर्स हैं, टोनी बुजान का नाम सुना होगा आपने और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे लोग, ब्रायन ट्रेसी है एंड मैनी मोर अदर, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि इस टेक्निक को यूज़ करके अपने दिमाग की मेमोरी पावर्स को बढ़ा रहे हैं, अपने आप का जो एक्सेसिव में वर्क करते हैं ना, वो बिना थके बिना रुके, है ना, तो वो सब चीज़ें इन्हीं सब टेक्निक से यूज़ होती है. तो ये फर्स्ट टिप थी फ्रेंड्स. अब मैं आपके इस, आपको लग रहा होगा कि क्यों माने आप मेरी बात, क्यों मानो, तो आप करके देखो. अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरी बात सिर्फ मान लो, मैं ये कह रही हूँ कि आप इसको जस्ट ट्राई करो, जस्ट ट्राई इट आउट. इसमें कुछ नहीं लग रहा, इट विल टेक हार्डली 1 मिनट ऑफ योर्स, है ना, टू प्रैक्टिस. तो आपका कुछ भी नहीं लग रहा, ना तो पैसा लग रहा है, ना ही ज़्यादा समय लग रहा है. अगर रिजल्ट मिलता है तो दैट वुड बी गुड फॉर यू, राइट. सो आप इसको प्रैक्टिस करके देखो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा 100% श्योरिटी के साथ, ठीक है. अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताती हूँ. अराउंड 50 तो नहीं कहूँगी, 80-90% लोगों को रियलिटी में ब्रीदिंग करनी आती ही नहीं है. क्या आपने कभी बच्चे को वो सांस लेते हुए देखा, जब वो सो रहा होता है, जब भी वो सांस ले रहा होता है उसका टमी बाहर एक्सपैंड एंड फ्लैटन ऐसे होता है. जब हम सांस लेते हैं तो हमारा ये वाला एरिया एक्सपैंड एंड
फ्लैटन होता है. रीजन क्या है? क्योंकि हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग नहीं करते. रियल ब्रीदिंग ब्रीदिंग इज एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दैट इज जो हमारे टमी एरिया से आता है. उस ब्रीदिंग की टेक्निक से क्या फ़ायदा होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन है ज़्यादा समय तक बॉडी में लंग्स के थ्रू फिल्टर होकर जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में पहुँचता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई माइंड पे जाता है, और 100% अश्योरिटी के साथ आपका दिमाग रिफ्रेश होता है एंड यू विल फील वेरी मच यू नो काम, क्वाइट एंड पीसफुल एंड हैप्पी. एंड पढ़ाई करते वक्त यही चाहिए. स्ट्रेस में कभी भी कोई काम नहीं होता. ऑलवेज यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड एंड देन ओनली यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक, राइट? सो ये चीज़ है. और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, टॉर्टोइस पे आते हैं. टॉर्टोइस की लाइफ स्पैन क्या होती है फ्रेंड्स? जो टॉर्टोइस है हमारा 200, 300, 400 साल जीता है. ह्यूमन हमारी क्या लाइफ स्पैन है? 60 to 70 ईयर्स. डॉगी उसका क्या लाइफ स्पैन है? 10 to 15 ईयर्स. रीजन ब्रीदिंग. मार्क माई वर्ड्स फ्रेंड्स, ब्रीदिंग इज लाइफ. विदाउट ब्रेथ देर इज नो लाइफ. सो द थिंग इज कि हम क्योंकि एक मिनट में 30 से 40 बार ब्रीदिंग लेते हैं, ब्रेथ इनटेक एंड इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं. टॉर्टोइस एक मिनट में एक या दो बार ही इनहेल और एक्सहेल करता है, और जो हमारे डॉगीज होते हैं वो एक मिनट में 70 to 80 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करते हैं. सो शॉर्टर द ब्रेथ इनटेक एंड आउटटेक, लॉन्गर विल बी योर लाइफ स्पैन. तो यू कैन लर्न द थिंग्स फ्रॉम नेचर. नेचर आपको हर चीज़ सिखाती है फ्रेंड्स. सो इफ़ यू लाइक डू नॉट, आप अगर सिर्फ मानना नहीं चाहते तो आप प्रैक्टिस करके देखो. इट इज़ अ सिंपल प्रैक्टिकल, जस्ट सांस लो, इनहेल एक्सहेल एंड होल्ड फॉर 4, 4, 4, 4. इसके बाद इसको एक्सपैंड करके आप 6, 6, 6 पे ले जा सकते हो, और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो 8, 8, 8 पे भी ले जा सकते हो. इससे आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी ज़्यादा बेहतरीन बन जाएगी, पढ़ाई में स्ट्रेस कम आएगा और आपको फीलिंग अच्छी होगी. आप करके देखो, नहीं अगर कुछ होता है तो मैं अगले दिन आ रही हूँ अगले टिप के लिए. बट फर्स्ट डे ये वाली जो टिप है इसको ज़रूर आप लोग फ्रेंड्स यूज़ करना. एंड लास्ट टाइम, एज यू ऑल नो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, माई नेम इज़ दिव्या अग्रवाल. आई एम एन अकेडमी एजुकेटर एंड आई टीच लाइव ऑन एन अकेडमी प्लस एंड IIT जैम केमिस्ट्री में पढ़ाती हूँ फ्रेंड्स. तो अगर आप केमिस्ट्री को और भी बेहतरीन और सुंदरता से पढ़ना चाहते हो तो यू कैन जॉइन मी लाइव देयर ऑन एन अकेडमी. मेरे कुछ फ्री लेसन हैं, कुछ स्पेशल क्लासेस हैं जो कि रेगुलर होती हैं, कुछ यूट्यूब क्लासेस हैं जो होती हैं, एंड साथ में प्लस कोर्सेज भी हैं. ओके, सो लिंक आई हैव गिवन इन नोटिफिकेशन एंड नीचे वाले एरिया में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव गिवन द लिंक्स एंड ऑल. सो टिल देन यू बी हैप्पी विद स्क्वायर ब्रीदिंग. बाय बाय.